अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब करें प्ले मूवीज। क्या बात है बुलेट, अभी तक सोया नहीं यार? नींद नहीं आती। क्यों ही यहां से बाहर जाने के दिन नजदीक आते हैं, मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। क्या नहीं था हमारे पास, हमारे दिलों में खुशियां थी, चहल पहल थी, सब कुछ। अरे यार ये सब भूल जा। नहीं भूला जाता दोस्त, माँ की ममता, छोटी बहन का प्यार, एक देवता समान पिता जो एक फैक्ट्री के मैनेजर थे, वो काली माता के उपासक भी थे, ढोल बजाने का उन्हें बहुत शौक था, मुझे भी सिखाया था उन्होंने। हरगोविंद बाबू, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन क्यों? हमारे पास रिपोर्ट आई है कि आपने गैर कानूनी तरीके से कंपनी का 5-6 लाख रुपए का माल गायब किया है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब, मैं तो पिछले 5-6 दिन से ऑफिस गया ही नहीं। पूजा में आने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट मदन बाबू को चार्ज दे दिया था, लेकिन मदन बाबू ने इनकार किया है। फैक्ट्री के मैनेजर आप हैं, जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेवार आप हैं। चलिए। तुम फिक्र मत करना सुजाता, माँ पिताजी को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा बेटे, काली माँ उनकी रक्षा करेगी। मदनलाल जी, हुजूर। क्या ये सच है कि मैनेजर हरगोविंद जी ने काली पूजा की छुट्टी ली थी और कंपनी का चार्ज आपको दे गए थे? मुझे? मैंने तो सर 7 दिन बीमार रहने के बाद कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है। ये देखिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाया हूँ। हुजूर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे चार्ज देकर गया था। लो हुजूर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फैक्ट्री के गेट पास पर इनके सिग्नेचर कहाँ से आए? हुजूर मैं मानता हूँ कि ये सिग्नेचर मेरा है,
मेरे सिग्नेचर के बगैर कंपनी का कोई भी माल बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए छुट्टी पर जाते वक्त मैं ब्लैंक गेट पास पर सिग्नेचर करके इसे दे गया था ताकि कंपनी के काम में कोई रुकावट ना आए। मैंने इस पर भरोसा किया हुजूर और इसने मुझे फंसा दिया। मैं काली माँ की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं हुजूर, मैं बेकसूर हूं। गवाहों की गवाही के मुताबिक अदालत हरगोबिंद मजूमदार को मुजरिम करार देती है और कंपनी के लाखों रुपए का माल चुराने के जुर्म में दफा 420 ताजीरात हिंद के तहत 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। नहीं हुजूर, ये ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें फंसाया गया है हुजूर, इन्हें फंसाया गया है। रोमत सो जाता, रोमत 5 बरस तो देखते देखते ही गुजर जाएंगे। मैं बच्चों को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना। मैं इस मक्कारी का बदला जरूर लूंगा मदनलाल, जरूर लूंगा। पिताजी को 5 साल की सजा हो गई और हमारी जिंदगी मुसीबतों में घिर गई। मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया। स्कूल में बच्चे मुझे चोर का बेटा कहने लगे। इसका बाप चोर है, इसका बाप चोर है। जब बर्दाश्त ना हुआ मैं स्कूल छोड़कर भाग गया। तुम्हें घर पहुंचा, माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कौन बचाएगा तुझे? दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो चला जा कमीने, निकल जा यहाँ से। सुअर के बच्चे, अरे अगर तुझे जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी मदनलाल नहीं। अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं बेटा, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। राकेश तू छुप जा। ओ आप, कहां वो आपका छोकरा, कहां भगा दिया उसे? ढूंढो उसे, कहीं कहीं झाड़ियों में छुप गया होगा वो, जल्दी करो। इस तरह नन्हा सा राकेश पुलिस के डर से भाग गया और फिर न लौटा, और इस तरह भोला भाला राकेश 2 नंबरी बुलेट बन गया, लेकिन भूल ना सका अपनों को। जगह जगह ढूंढा, जगह जगह तलाश की, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। पता नहीं आज वो लोग कहां हैं, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी मां। क्या हुआ सुजाता बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुमको तो तेज बुखार है। वो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? दो दो पैसे के लिए रात रात भर जाकर जो ओवरटाइम करती हो ना, ये उसी का नतीजा है। क्या करूं बहन, बेटी कॉलेज में पढ़ती है, पैसा तो चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। चलो
चलो घर जाओ, आज नो ओवर टाइम, चलो उठो चलो। अरे माँ आज इतनी जल्दी आ गई, अभी तो 10 ही बजे हैं। आज काम ज्यादा नहीं था, ये रोज रोज ओवर टाइम करके क्या हालत बना ली है अपनी, कभी सोचा है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खैर तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर। नहीं नहीं ये सब तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, तो सिर्फ मन लगा के पढ़ाई किया कर। देखो माँ मैंने तय कर लिया है, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और नौकरी करूंगी। नहीं गीता नहीं, देख चंद दिनों की ही तो बात है, तू पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी ना तो मैं अपने आप काम छोड़ दूंगी। लेकिन माँ। देख गीता तेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम दिलवाएंगे, तेरा भैया पता नहीं कहाँ खो गया, इसलिए तुझे पढ़ना होगा, तेरे पिताजी का सपना तुझे पूरा करना होगा। माँ हाँ बेटी तुझे पूरा करना होगा। हेलो हेलो जीत सिंह है, मैं रूपचंद बोल रहा हूँ। क्या खबर है जीत सिंह? सब ठीक है सर जी, डकोस्टा की लॉन्च आने वाली है और हमने सब तैयारियां कर रखी है। कम से कम 20 लाख रुपए का माल है इसमें, आज तो कालीचरण से बहुत खुश हो जाएंगे। डकोस्टा साहब लगता है रूपचंद को हमारी खबर नहीं लगी, वरना उसका पिल्ला जीत सिंह हमें लूटने के लिए जरूर आ जाता। अपनी लॉन्च रोक दो डकोस्टा, घेर लिए गए हो। ये लीजिए पूरे 20 लाख का माल है। वेल डन जीत सिंह, वेल डन। थैंक यू सर जी। वो हरामजादा कालीचरण तो अपना सर पीट लेगा। जो हमेशा हमारा माल लूट कर ले जाता है, कालीचरण से टकराने की जुर्रत करता है। उसे हमारे किसी आदमी ने देखा नहीं है सर, उसका खास आदमी जीत सिंह वही सब काम करता है। जीत सिंह जो काम कर सकता है वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों है? जानते हो क्यों? जानते हो क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो, बूढ़े। सर हमको एक चांस दो, हम उसको मसल के रख देगा। ना ना, हम नहीं चाहते कि तुम पुलिस की नजर में आओ, तुम हमारे बॉडीगार्ड हो इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। बाहर के काम के लिए ढूंढो एक ऐसा नौजवान जो रूपचंद के साथ टक्कर ले सके। समझ लो भाई। सलाम साहब। सलाम। सिट डाउन। आई से सिट डाउन। तुम दोनों आज रिहा किए जाते हो। शुक्रिया साहब। ये रही तुम्हारी जेल की मजदूरी और ये तुम्हारा सामान। ये मेरा है साहब। और ये भी लो। ये बुलेट है। और बुलेट ये तुम्हारा लॉकेट। देख लो सब सामान ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। देखो बुलेट
मैं नहीं चाहता कि तुम फिर यहाँ आओ। नहीं नहीं सर, मैं लाख बुरा सही, लेकिन इतना बुरा नहीं कि आपका बुरा चाहूं। क्या मतलब? मतलब ये सर, अगर हर कोई यहाँ आना छोड़ दे तो आपकी नौकरी का क्या होगा, इसलिए दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से इधर आऊं ताकि आपसे मुलाकात करने का मौका मिल जाए। नमस्ते सर। चल भाई, जल्दी जल्दी निकल। बोल्डो, जेल से तो निकल आए हैं, लेकिन अब जाएंगे कहाँ? मेरे घर में। तेरा घर भी है? हाँ, अब बोलने में थोड़ी गलती हो गई, मेरा मतलब मेरी बहन का। तेरी बहन भी है? हाँ यार, मैंने तेरे को बताया नहीं, लेदे का एक बहनी तो है मेरी, बहुत अच्छी सीधी सादी, सवाल की मीठी। हरामजादे, घर में माँ बहन नहीं है जो हमको छोड़ने चलाया? नहीं। तूने सोचा होगा लक्ष्मी अकेली है, गरीब है, बस्ती में रहती, इसलिए सस्ती भी होगी। क्यों? नहीं। नहीं। मेरी बहन लक्ष्मी वाकई बहुत सीधी है। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। जाता कहाँ है, अभी तो मैंने तुझे सिर्फ चाय पिलाई है, दो प्लेट मटन चौम भी तो खा के जा। साला, जबान की भी क्या मीठी है यार। फिर किसी ने यहाँ मस्ती की तो लात मार के हवा में ऐसा उछालूंगी कि हावड़ा ब्रिज पे जाके उल्टा लटक जाएगा, समझे? लक्ष्मी कैसी हो मेरी बहन? अरे तुम आओ आओ, आज कितना बड़ा शुभ दिन है, मेरा भाई तीर्थ यात्रा से वापस आया है और मेरा हालचाल पूछ रहा है। देख लक्ष्मी, मैंने कसम खा ली, आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा, कभी जेल नहीं जाऊंगा। हाँ, तेरी कसम। बेशर्म बेगैरत, 636 बार कसम खा चुका है, मैं तो समझा समझा के थक गई कि भैया कोई ईमानदारी का काम कर ले, मगर तेरे कान में जू नहीं रेंगती। ये कौन है? ये मेरा दोस्त बुलेट। बुलेट यानी बंदूक की गोली। वाह वाह, क्या नाम है, लगता है तोप खाने में पैदा हुआ था। मजाक नहीं लक्ष्मी, बुलेट बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ जेल में था। ऐसा क्यों नहीं, अच्छा लड़का ना होता तो जेल में क्यों होता, चोर का साथी ग्रहकट। खैर, यहाँ किस लिए आया है? बात यह लक्ष्मी, बुलेट के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, इसलिए तू इसे यहाँ ले आया। हाँ लक्ष्मी। क्यों नहीं, ये धर्मशाला जो है, तू अपने जैसे चोर उचक्कों को यहाँ लेकर आएगा और मैं पका पका कर खिलाऊंगी। क्यों? ए बल्टो, अपनी बहन से कह दे कि गाली मत दे, मैं जा रहा हूँ। आए हाय, मरने का ठिकाना नहीं और गुस्सा नाक पे, मेरे घर में रहना है तो मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी, समझे? अरे फुकट में नहीं रहूंगा, समझी? ये लो पैसे। क्या तू मुझे पैसे दिखाता है, निकल बाहर यहाँ से। चुप करना, अरे गलत मत समझ, वो पैसे की भूखी नहीं हो तो जरा गुस्से में। अरे क्या गुस्से में, क्या क्या बात तू मेरे भाई के साथ यहाँ आया था इसलिए मैं तुझे रहने की जगह दे रही थी और तू मुझे पैसों का रुआब दिखा रहा है, लक्ष्मी को पैसों की परवाह नहीं है, समझा? जा इसको अंदर ले जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। देखा, मैंने पहले ही बोला था ना, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मीठी जुबान है। अंदर चल, ये मुझे दे दे, बैठ जा बैठ जा। मान गए यार। क्या मान गया भाई? मेरा नाम तो बुलेट है। हाँ। लेकिन तेरी बहन एक एटम बॉम है, एटम बॉम। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है रे, बचपन में बाप माँ गुजर गए, तू तो जानते ही अपना धंधा, कभी अंदर कभी बाहर, और ये बिचारी अकेली जिंदगी बिता रही है, इसलिए अपन भी सोच रहा है कि कोई ईमानदारी का धंधा करे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या धंधा करेंगे, हम लोगों को तो दो नंबर के अलावा आता ही कुछ नहीं है। आ गया क्या आइडिया? हाँ, हम लोग एक चाय की दुकान खोलेंगे और ये लक्ष्मी हम लोगों की मदद करेगी। ये खाना तुम एक बार खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार खाना तो है एक बहाना, बेचते हैं हम प्यार। आओ हुजूर खाओ हुजूर, खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार खाना तो है एक बहाना, बेचते हैं हम प्यार। ये खाना
तुम एक बार। भाईजान, भाभी जान, श्रीमती श्रीमान, बंगाली खाना, पंजाबी खाना, मद्रासी खाना सभी यहाँ गर्मा गर्म मिलेगा। नेकी और मेहनत के बल पर करते हैं गुजारा, करते हैं गुजारा बंधु, करते हैं गुजारा। छोटी सी दुकान न देखो, देखो दिल हमारा, देखो दिल हमारा बंधु, देखो दिल हमारा। तंदूरी भी है, रुमाली भी है, तंदूरी भी है, रुमाली भी है, जो हो तुम्हें दरकार। स्वागत का हमको, खिदमत का हमको, मौका दो एक बार। आओ हुजूर, आओ हुजूर, खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार। जोरू अगर झाड़ू मारे, निकल मुए घर से, जब देखो तब पीछे आ जाता है। जोरू अगर झाड़ू मारे, बुरा मत मनाना, बुरा मत मनाना भैया, बुरा मत मनाना। प्यार देगी जी भर तुमको, खिलाना ये खाना, खिलाना ये खाना भैया, खिलाना ये खाना। पका पका के रोज ही खाना, बेचारी रोज पकाती है। पका पका के रोज ही खाना, बीवी जाए हार, उसको भी तो छुट्टी चाहिए हफ्ते में एक बार। आओ हुजूर, खाओ हुजूर, खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार। देंगे महीनों पुराना, महीनों पुराना खाना, महीनों पुराना। छोटी सी दुकान ये देगी ताजा ताजा खाना, ताजा ताजा खाना भैया, गर्म गर्म खाना। खाने में दम है, कीमत भी कम है, हाजी। खाने में दम है, कीमत भी कम है, खाना लज्जत का। माल तो चोखा देंगे, पर हम देंगे नहीं उधार। आओ हुजूर, खाओ हुजूर, खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार। खाना तो है एक बहाना, बेचते हैं हम प्यार। खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार। खाके जरा देखो हुजूर, ये खाना तुम एक बार। एक दो तीन चार, आप लोगों के 40 रुपए हो गए। हमसे पैसा मांगता है? क्यों नहीं मांगू, लगता है नया है। पुराना होता तो क्या होता, तो इनको जरूर पहचानता। इनका हुक्म जिसने नहीं माना, उसका फटा सर का कोना कोना। इनका नाम है फाटा उस्ताद। समझ गया लंका। इसे कह दो, अगर यहाँ धंधा करना है तो हमें सलामी देनी होगी। 5000 नकद, 2 बोतल पहली धार का माल, और हर महीने 500 रुपया। समझ गया। देखो भैया, हम अपना असली धंधा छोड़ के इस धंधे पर उतर आए हैं। अगर फिर से हमको असली धंधे पर जाना पड़ जाए तो तुम लोगों का क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा नाम लंका है ना, श्रीलंका पहुंच जाएगा, तुम्हारा ये फटा उस्ताद बीच से फट जाएगा। उस्ताद, तुम क्या बोला? अरे बोल रहा हूं ना, तू फट जाएगा। अरे
तुम्हारी भाषा उसका पांच हजार रुपया नकद दो पहली पांच सौ रुपये चल बढ़ जा हट बुलेट हाँ। ये लंका का क्या करूं इसे जाने दे जा जा सालों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया यार शराफत की जिंदगी जीने नहीं देंगे शराफत की जिंदगी जीना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है आप कौन है जी है? इतना सारा नुकसान हो गया और आप हैं कि भाषण देने आ गए भाषण देने नहीं आया हूँ इसके बाद का भी ऐसा नुकसान ना हो उसी की तरकीब बताने आया हूँ कहना क्या चाहते हैं आओ मेरे साथ बताता हूँ आओ वो जो ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हो ना उनमें जो लोग रहते हैं वो सब के सब करोड़पति हैं लेकिन इनमें से कोई भी सीधे रास्ते करोड़पति नहीं बना लेकिन ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं इसलिए कि अगर तुम चाहो तो तुम भी वहां पहुंच सकते हो देखिए साहब हमने फैसला किया है कि हम लोग शराफत का धंधा करेंगे कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे देखो बुलेट आजकल के जमाने में कानून वही बनाते हैं जिनके पास पैसा है आदमी पैसे वालों की पूजा करते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर उनके आगे पीछे घूमते हैं और कुछ सरकारी अफसर रिश्वत लेकर उनके करतूतों पर पर्दा डाल देते हैं अब ये कहना चाहते हैं कि मैं फिर से दो डमरी धंधा करूं और जेल जाकर चक्की पीसूं। जेल वो जाते हैं जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं जैसे तुम लोग कर रहे थे लेकिन अब तुम वहां धंधा करोगे जहां कानून तुम्हें छू भी नहीं सकेगा इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो बुलेट तुम्हारे पास जवानी है ताकत है हिम्मत है छीन लो पैसा खरीद लो शराफत और बन जाओ शरीफ बोलो मंजूर है हमें करना क्या होगा गुड आओ मेरे साथ आओ लगता है यही मकान है चलो ऊपर चल के देखते हैं कौन पान की रानी कम इन चलो ठहरो मिस्टर चैंग वो लोग आ गए कौन ये सूटकेस ले जाओ और चाल पैकेट दे के रुपया ले लेना ओके ओके बॉस रुपए कहाँ है ये लो लाओ पहले माल बाद में पैसा ये क्या 20 पैकेट की बात हुई थी चार कैसे होशियारी मत करो पैसा लाओ पहले माल बाद में पैसा शिकारी जब शेर के पिंजरे में आता है तब शेर जो चाहता है वही होता है शिकारी जब शेर के पिंजरे में आता है तो तैयार होकर आता है और हंटर मार मार के शेर को कुत्ता बना देता है अच्छा इसके रुपए छीन लो और लात मार के बाहर निकाल लो
भी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। फिक्र मत कर। बोलो। आओ, काम हो गया। वेरी गुड, वेल डन। लेकिन बोल्टू बुरी तरह से जख्मी हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं 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 नहीं, अस्पताल नहीं, पुलिस का डर है। मैं उसे अपने डॉक्टर के पास भेज देता हूँ, मेरा ड्राइवर उसे ले जाएगा। एक मिनट। हाँ जॉन, नीचे गाड़ी में जो साहब जख्मी है ना, उसे फौरन अपने डॉक्टर के पास ले जाओ। माल कहाँ है? ये रहा आपका माल और ये रहे पैसे। ये क्या, तुमने उनको पैसे नहीं दिए? माल दिए बिना पैसे छीनने के चक्कर में थे, इसलिए मैं दोनों ही ले आया। यू आर रियली ग्रेट बुलेट, रियली ग्रेट। चलो तुमको हमारे बॉस के पास ले चलते हैं, चलो। तुम सब के सब निकम्मे हो, इतने लोग मिलकर उन दो आदमियों को नहीं रोक सके। जानते हो तुम्हारी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ? 10 लाख का माल लूट कर ले गए वो लोग। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कालीचरण में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। सर, उसके गिरोह में एक नया लड़का आया है, नाम है बुलेट। साला चीता है चीता। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी। आपने कहा था कि कोई ऐसा नौजवान लाओ जो हमारे दुश्मनों को मात दे सके। हाँ कहा था। ये है वो नौजवान जिसने उन लोगों को ऐसी मात दी है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गुड, क्या नाम है? बुलेट। बुलेट, अरे वाह, नाम में तो बहुत जोर है। मेरे नाम और काम में कोई फर्क नहीं है सर जी। अच्छा, इतना घमंड है अपने आप पर? हा? जी नहीं, यकीन है। हमारे इस बॉडीगार्ड को देखा? बॉडीगार्ड? आपका माल खा खा कर बॉडी तो चर्बी से भर गया, अब गार्ड कैसा है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। इसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है सर जी, जो इसके पास नहीं है, वरना मुझे यहां नहीं ले आते। ये भारी भरकम हाथी एक बार गिर जाए तो उठना मुश्किल है। अच्छा, बाकी एक बार दिखा दो। लीजिए सर जी, आपका हाथी लेट गया, अब अगर ये फिर से उठने की कोशिश करेगा फिर सुला दूंगा। सर जी, आपके काम में हाथी की सुस्ती नहीं, शेर की चुस्ती। वाह बुलेट, वाह वाह, नाम और काम का ऐसा मेल मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बूढ़ी आंखों का जवाब नहीं डिकोस्टा, क्या मोहरा ढूंढ कर लाया? मैं मोहरा नहीं हूं सर जी, मैं खिलाड़ी हूं। वंडरफुल, अरे इसमें तो और भी मजा है। शतरंज मेरी होगी और चाल तुम चलोगे। बोलो मंजूर? मंजूर। ये मुझे कहां ले आए? इतना धुआं क्यों है? इसी धुएं के खातिर तो लोग पागलों की तरह हम पर पैसा बरसाते हैं, मालूम है? है क्या हेरोइन? जो माल आज तुम लूट कर लाए हो वो माल यहीं बेचा जाता है। हाँ वो तो समझा, लेकिन मेरी आंखें चल रही हैं, सर चकरा रहा है। पहले पहले ऐसे ही होता है, इसके बाद नहीं होगा, आदत पड़ जाएगी। सर आपका टेलीफोन। हेलो, हेलो, क्या उसकी लाश बैग में भरकर गंगा में बहा दो, समझे? बहुत बुरी खबर है बुलेट, बट्टू गुजर गया। क्या? मैं उसकी बहन को क्या जवाब दूंगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कितनी बार कहा भैया ये सब बुरे धंधे छोड़ दो, मेरी चाय की दुकान पर काम करो, जैसे भी होगा दोनों बहन भाई इज्जत की जिंदगी काट लेंगे, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। आज मेरा सब कुछ खो गया।
सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी सब कुछ खो गया। सुख में दुख में हर घड़ी बोल्टू मेरे साथ था। हमने सच्चाई पर चलने की कोशिश भी की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। ये क्या, तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ लक्ष्मी, जब बोल्टू ही नहीं रहा तो मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा। अब मैं यहाँ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग? लोगों में से कोई भी इस लक्ष्मी को शहनाई बजाकर घर की लक्ष्मी बनाकर नहीं ले जाएगा। तुम्हें समाज का इतना डर है तो तुम जा सकते हो। मैं अकेली इस समाज की भेड़ियों से लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। किसी का सहारा मेरी किस्मत में नहीं। नहीं लक्ष्मी, तुम जाओ बुलेट, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज से मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। क्या कहा? ब्राउन का आदमी अभी तक डिलीवरी लेने नहीं आया? जी नहीं, और मुझे शक है कि पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं, तुम माल अपनी गाड़ी में से निकालकर किसी टैक्सी में जाकर छुपा दो। जीत, तुम्हें मालूम है कि ब्राउन का आदमी माल लेने नहीं आया? या, ब्राउन को डिकोस्टा फुसला कर ले गया है और हमारा लूटा हुआ माल कालीचरण अब ब्राउन को ही बेचेगा। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए। और यह भी पता लगा है कि उनकी मुलाकात कंटेनर गोडाउन में होगी। सर जी, वहीं पर कालीचरण और बुलेट से मैं मुलाकात करूंगा। मिस्टर ब्राउन, आपका माल सब कंटेनर में छुपा दिया है। थैंक यू बुलेट, थैंक यू। ब्राउन साहब, हमारे साथ धंधा करने में आपका फायदा ही फायदा है, हमारे साथ दोस्ती कर लो। लेकिन आपके साथ कभी मुलाकात का मौका ही नहीं मिला तो फिर दोस्ती कहाँ से होगी? हाँ, इसलिए तो आज हम खुद आए। सिक्योरिटी की वजह से हम कहीं जाते नहीं है, लेकिन आज बुलेट के कहने पर चले आए। ओके, सी यू। सी यू। ओके। तुम सर जी को लेकर छुप जाओ, मैं सालों को देखता हूँ। चलिए सर जी। छोड़कर मत जाना बुलेट, प्लीज मत जाना। घबराइए मत सर जी, जख्मी साथी को छोड़कर जाना बुलेट ने कभी नहीं सीखा। आइए। डिकोस्टा, तुम संभालो। आइए।
भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए सेठ जी कि गोली हड्डी के बगल से निकल गई। शुक्रिया अदा तो इस बुलेट का करना चाहिए डॉक्टर, इसी ने मेरी जान बचाई। ये क्या कह रहे हैं आप, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। बुलेट, जिस तरह तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सर जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं मेरा फर्ज पूरा करूंगा। पिकोस्टा, बोलिए सर जी। मेरे सॉल्ट लेक के बंगले की चाबी बुलेट को दे दो। बुलेट, बुलेट आज से वो बंगला तुम्हारा है। मेरा? हाँ बुलेट, तुम्हारा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। अरे वाह, इतना बड़ा बंगला, कौन रहता है यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ रहेंगे। सच? हाँ अश्मि, ये बंगला सेठ जी ने मुझे इनाम में दिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया, लेकिन एक ही खराबी है। खराबी? वो क्या? इतने बड़े बंगले में झाड़ू देते देते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। घर के काम काज के लिए बाहर के आदमी रखे जाएंगे। अरे वाह, घर के काम के लिए बाहर के आदमी रखे जाएंगे, तो मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। प्यार करने की फुर्सत है तुम्हें? जनाब, प्रेम करने के लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। Yeah.
पहली बार, पहली पहली बार। ये क्या सर जी, आप मुझ पर जासूसी कर रहे हैं? क्या कह रहे हो तुम बुलेट? तुमने हमारी जान बचाई और हम तुम्हारे ऊपर जासूसी करेंगे? ये तुमने सोचा कैसे? फिर हमारे गाने का वीडियो टेप आपको कहां से मिला? अरे नहीं भाई, मैं उधर से गुजर रहा था, दूर से तुम दोनों को बड़े प्यार से गाते हुए देखा। इत्तेफाक से कैमरा मेरे पास था तो सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैं तो झटका ही खा गया था, I'm sorry। कोई बात नहीं है। और बताओ, मकान कैसा लगा है? जी बहुत अच्छा। और लक्ष्मी को तो मुझ उसका नाम लक्ष्मी है? जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। तुम तैयार हो गए? चलो मेरे साथ। कहाँ? काली मंदिर। काली मंदिर क्यों? मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? यही कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें वापस मिल जाए। चलो। लक्ष्मी मेरी माँ। अरे भाई जरा देख के तो चलिए, क्या गाड़ी के नीचे मरने का है? भैया जी, अभी अभी जो माँ जी आपसे बात कर रही थी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो हमारी दुकान से हमेशा फूल लिया करती हैं। कहाँ रहती हैं? हम उनका पता अभी आपको देते हैं। कहिए। आप तुम गीता हो ना? हाँ। लेकिन आप? मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई। कौन? भैया? हाँ रे भैया, मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। भैया, भैया, माँ, माँ देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ। कौन? बेटा, कहाँ खो गया था रे? माँ, कहाँ खो गया था? कहाँ खो गया था? तेरे लिए रो रो के माँ का कलेजा सूख गया था भैया। मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत रोया माँ, बहुत रोया रे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं लौटे। क्या? हाँ बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ, तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगैर काटे कैसे? माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और मैं दो एक ट्यूशन करके पढ़ाई करती हूँ। जानता है राकेश, गीता हमेशा फर्स्ट आती है, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी?
अब माँ इस उम्र में कब तक काम करेगी भैया, इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ाई करेगी और आज के बाद माँ सिर्फ आराम करेगी। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। लगता है कोई आया है। ये ले, चल पी ले। कौन? नमस्ते सुजाता देवी। नमस्ते कन्हैयालाल जी। हाँ। भाड़ी के लिए आपको दो चार दिन रुकना पड़ेगा। दो चार दिन? दो चार दिन कहते कहते तो चार महीने बीत गए। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? ये आप क्या कर रही है सुजाता देवी? जिसके घर में जवान खूबसूरत लड़की हो उसकी भला क्या मजबूरी हो सकती है? कन्हैयालाल जी नाराज क्यों होते हैं सुजाता देवी? कहिए तो धंधे पे लगा दूंगा। चुप है बुड्ढे, घर में कंटी डालकर तलाली करता है, वो एक मिनट जान से मार दूंगा। बस बेटा बस। उठ, क्या बोला, क्या बोल? बस कर बेटा बस, बोल। छोड़ दे उसे। जा, माँ के पाँव पकड़कर माफी मांग। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ भाड़े के लिए था। माँ जी, कितने पैसे होते हैं तेरे? 750, 750। चले, बाकी अपने पास रख लेना, चल फट। जी जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माँ, आज के बाद हम इस मकान में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बेटे? तेरे बेटे के पास मकान है, हम सब अपने मकान में रहेंगे। चलो। कितना आलीशान बंगला है, तेरा है? हम्म, तो फिर किसका है? तेरा है भैया। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे, तू काम क्या करता है? बस ऐसे छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। वैसे ये बंगला मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। चल आमा। वो देखो माँ, तुमने तो कहा था 5 साल बाद लौटाओगे, 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। तो हमें भूल गए क्या? आखिर हमारा कसूर क्या है? मत रो माँ, जब तुम दोनों मिल गए तो पिताजी भी जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दिया। सच? मुझे ले चलोगे उनके पास? जरूर ले चलूंगा, बस अब पिताजी मिल जाएं, फिर मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, फिर हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, प्यार की जिंदगी। लेकिन बुलेट, वो लोग मुझे पसंद करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे, जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया तो वो भी तुम्हें जरूर करेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये कपड़े और ये किताबें। मेरे लिए? मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा साइड में हटिए तो। आई एम सॉरी। बस सॉरी कह दिया और हो गया, शर्म भी नहीं आती। मुझे धक्का क्यों मारा? देखिए आप खामखा नाराज हो रही हैं। मेरा पैर फिसल गया था, मैं को जानबूझकर थोड़ा ही गिरा था। जानबूझकर लड़कियों पर गिरना आजकल के लड़कों की आदत है। देखिए मैम, आप एक शरीफ आदमी की इंसल्ट कर रही हैं। क्यों बे? हैं? हट, लड़की को छेड़ता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैडम को डॉक्टर के पास ले जाना है, दवा दारू के लिए पैसा निकालो, पैसा। अरे तुम इनके कौन लगते हो जो बीच में आ गए पैसे मांगने? मैं कौन लगता हूँ? मुझे पैसा ना नहीं, रख के दूंगा एक आध बत्ती से बाहर। अरे बाबा, रुक जा। क्या कर रहा है ये? आप वकील साहब है, चेहरे से पहचान है नहीं? इन्होंने तो मुझे चोरी के केस से बचाया था। गलती हो गई साहब, माफ कर। खेतली में उड़ा साहब, एकदम पहचाना नहीं। चाहिए सर, चाहिए, आपकी ट्रेन आ गई है। मैम साहब, ये कोई चोर बदमाश नहीं, हमारे वकील साहब है। हाँ। चल चुपके से फुट ले, चल फुट ले, फुट ले।
मीरा मीरा क्या हुआ गीता, इतनी देर करती? क्या बताओ, एक बदमाश से टक्कर हो गई और मैंने ट्रेन मिस कर दी। तेरे भैया है ना? हाँ, भैया को चेंबर में मैंने रोक के रखा है। चलो भैया, भैया ये मेरी सहेली है। आप क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो क्या? नहीं, वो हुआ यूं कि मैं जल्दी में सीढ़ी उतर रहा था और इनसे टकरा गया और इन्होंने। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, I'm sorry। अरे वाह भैया वाह, मैं तो तुझसे मिलवाने के लिए लाई थी इसे, मगर यहाँ तो बात माफ कीजिएगा और सॉरी तक पहुँच गई है। मीरा क्या बकवास कर रही हो, बैठिए आप। लो टक्कर तुम दोनों की हुई, चक्कर चला तुम दोनों का, अब चोरी पकड़ी गई तो बकवास मैं कर रही हूँ। क्यूरी इसी बदमाश के साथ टक्कर हो गई थी तेरी। ओफो, मानेगी नहीं तू, बैठ उधर। इसे बकबक करने दीजिए। मिस मजुमदार आप यहाँ साइन कीजिए। आइए मेरे साथ। कहाँ? एफिडेविट मेरे चेंबर में नहीं, कोर्ट में होगा। जैसे प्लीज। एमए में फर्स्ट क्लास मिलने के बाद भी आप आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हैं, पुलिस ऑफिसर बनने का बड़ा शौक है आपको? जी। फिर तो आपकी या मेरी हमेशा टक्कर होगी। तो क्यों? आप पुलिस ऑफिसर, मैं एक क्रिमिनल लॉयर, यानी कि पुलिस का दुश्मन, टक्कर तो होनी ही है। क्या मैं आ सकता हूँ? अरे आप आइए आइए, मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? आप आईपीएस के इम्तिहान में पास हो गए। सच? जी। माँ, माँ। क्या है रे? जानती है माँ, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। गीता को पुलिस की नौकरी मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा रंजीत ये तुम्हारी मदद से मुमकिन हुआ है। मगर आपकी बेटी तो मानने को तैयार ही नहीं। वाह, मैंने कब कहा कि मैं? इसकी बात छोड़ो, अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है, अपने भैया को बताओगी नहीं? अब भी जाती हूँ। भैया भैया। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही है? आओ मेरे साथ बताती हूँ। क्या बात है? अरे आ तो सही। राकेश बेटा ये रंजीत चौधरी है, एडवोकेट, ये मेरा बेटा। हेलो। हेलो। जानता है भैया मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई हूँ। आईपीएस? या इंडियन पुलिस सर्विस। आपकी बहन कमर में पिस्तौल और हाथ में डंडा लेकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। गीता तू पुलिस की नौकरी करेगी? अरे भाई साहब मैंने कितना समझाया, एमए पास करने के बाद प्रोफेसर बन सकती है, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। हाँ गीता ये ठीक कह रहे हैं, पुलिस की नौकरी में खतरा ही खतरा है, और फिर पुलिस की नौकरी लड़की होकर तुझे शुभा नहीं देती। वाह भैया, याद नहीं बचपन में जब हम चोर पुलिस खेला करते थे तो हमेशा मुझे पुलिस बनाता था और खुद चोर बनता था, इतना तेज भागता था कि मैं तुझे पकड़ ही नहीं पाती थी। पकड़ तो तू अब भी नहीं पाएगी रे। तब अब भला मैं तुझे क्यों पकड़ने लगी? खैर मजाक छोड़, तुझे ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया ये नौकरी मैं जरूर करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे पुलिस की नौकरी करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। जानना चाहता है? हाँ। भैया तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरी जिंदगी सवार दी, लेकिन माँ के आंसू नहीं पहुंच पाया। तू कहना क्या चाहती है? पुलिस ऑफिसर बनके मैं पिताजी को ढूंढ निकालूंगी। गीता मेरा कोर्ट जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। गीता रंजीत को छोड़ा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बाय बाय। बेटा तुझे रंजीत कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? गीता के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, एक बार बात करके तो देख। जाऊंगा एक दिन। लक्ष्मी लक्ष्मी आ गए, देखो मैं कितना पढ़ना सीख गई हूं। क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? माँ और बहन मिल जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरे दुखों का अंत होने लगा है, मगर नहीं, मेरी बदनसीबी की कहानी फिर से दोहराई जाएगी। मैं समझी नहीं।
गीता पुलिस ऑफिसर बन रही है। ये तो खुशी की बात है। नहीं लक्ष्मी, ये मेरी बेरहम किस्मत का अजीब मजाक है। बहन पुलिस ऑफिसर और भाई दो नंबर का स्मगलर। तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुम्हें पकड़ लेगी? मुझे इस बात का डर नहीं, डर इस बात का है जिस दिन मेरी असलियत का उन लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगी, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम कालीचरण सेठ को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। गुनाह की राह पर मैं बहुत दूर निकल आया हूं लक्ष्मी, लौटना मुश्किल है। अब तो सिर्फ बर्बाद हो जाना ही लिखा है मेरी किस्मत में। ऐसा क्यों सोचते हो? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, अगर वो लोग मुझे छोड़कर चले गए तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम तो मेरी जिंदगी के मालिक हो, तुम्हें भला छोड़ के मैं कहां जा सकती हूं? आपने मुझे याद किया? हाँ जीत सिंह, मकाओ से कुफेंग आया है, आज रात को ही उसे डिलीवरी देनी होगी। कितनी? 5 किलो हशीश, ये देखो इसमें रखी हुई है। 5 किलो? वाह वाह। उसका जहाज सी बर्ड डायमंड हार्बर पर खड़ा रहेगा। मैंने उसे खबर भेज दी है कि तुम ठीक 9 बजे सप्लाई लेकर वहां पहुंच जाओगे। रूपचंद का आदमी आया है। रूपचंद का आदमी, दैट इज अजीत सिंह। आने दो, आने दो। आइए साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बट तुम जीत सिंह नहीं? नहीं। फिर तुम कौन है? अब लड़का, रूपचंद का लड़का। ओ आई सी, दिल बहुत बड़ी है ना, इसलिए डैडी ने हमको भेजा है। मगर तुम 20 मिनट पहला आ गया। वो क्या के गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं ना, इसलिए। ओ माल लाया? हाँ माल लाया, लेकिन गेट आउट आउट। असली माल लाया हूं, अब बेहोश हो जाएंगे। व्हाट? हाँ। समझा समझा। देखेंगे देखेंगे। तुम बाहर संभालो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूं। बॉस, वो आ गए। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड जीत सिंह, वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आप कौन? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। आपको नहीं पहचाना? बहुत दिनों के बाद मिलाना। कुफिंग कुफिंग कुफिंग। हाँ ठीक से देखो, देखो ठीक से देखो। कुफिंग कुफिंग। हाँ लेकिन आप तो बहुत बदल गए हैं। लॉट ऑफ चेंज। चेंज कैसा चेंज? कैसा चेंज? ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम हो गई। उम्र कम हो गई? अरे ये क्यों नहीं कहता, हम फिर से जवान हो गया है। जवान? लेकिन तुमको यकीन नहीं आता ना। तुमको मालूम नहीं जवानी लड़के फंसते हमने क्या क्या किया? क्या क्या किया? क्या किया? तुम्हारी बीवी का उम्र बताओ। बोलो 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 बोलो। 30 साल। अरे भगाओ 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 बुड्ढी भगाओ, स्वीट 16 लाओ, स्वीट 16। को 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 को। स्वीट 16? 16 साल का चिंग चुंग चुंग लाएगा तो जवानी वापस आएगा। हम भी ऐसा करेगा। माल लाया? यस 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 यस। ये देखिए ये देखिए। एकदम प्योर है ना? एकदम प्योर, पूरा 20 लाख का माल है मिस्टर कुफिंग। सेक्रेटरी। यस बॉस। ये रख लो और इनको 20 लाख का हीरा दे दो। मगर उन हीरो का तो हार बनाकर अपने अपनी स्वीट 16 को दे दिया है। बस दे दिया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं जीत सिंह, हम तुमको हीरा जरूर देगा, लेकिन उससे पहले तुम हमारी स्वीट 16 से मिलो। स्वीट 16। Thank you.
जीवन बन जाए रंगी, वो जिसके साथ रहे वो उसकी हर रात हसीन, मिल जाए जो स्वीट सिक्सटीन, स्वीट सिक्सटीन, जीवन बन जाए रंगी, मिल जाए जो स्वीट सिक्सटीन, स्वीट सिक्सटीन, जीवन बन जाए रंगीन। हैंड्स अप। कौन है वे? गोविंग? ये मेरा डुप्लीकेट किधर से आ गया? हम डुप्लीकेट है यू रास्कल, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी पिस्तौल भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? असली पिस्तौल तो इधर है। बुलेट? हाँ बुलेट, चालाकी नहीं करना। माल की डिलीवरी तो जीत सिंह ने दे दी, दाम तुम दोगे। दाम? 20 लाख के हीरे। मगर माल किधर है? माल तो हम हजम कर गए। तो फिर हम हीरा क्यों देगा? तुम्हें देना पड़ेगा कुफिंग। ये खूबसूरत तितलियां देख रहे हो ना, इनके हाथ जितने नाजुक हैं, इनके हाथ की पिस्तौल इतने नाजुक नहीं है। अगर गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे बदन पर 36 सुराख बन जाएंगे। 30 देता हूँ, देता हूँ, ये लो। चलो अब एक पते की बात सुनो कोफी, जल्दी से अपना जहाज लेकर सरहद के पास चले जाओ, ये तो थोड़ी देर बाद कोस्टल पुलिस तुम्हारे जहाज में छापा मारेगी। बस जीत सिंह, हमारा 20 लाख का हीरा चला गया। अरे मिस्टर कोफी, तुम्हारा तो हीरा गया है, मेरा तो 20 लाख का माल चला गया है। मैं अपने सेठ को क्या जवाब दूंगा? 20 लाख का माल चला गया इसकी मुझे परवाह नहीं है जीत सिंह, लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे भी हो, हमें बुलेट से बदला लेना है और उससे 40 लाख वसूल करना है। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। बोलो। मैंने सुना है कि बुलेट की मां और बहन उसके साथ ही रहते हैं, अगर हम उन दोनों को उठा लाएं तो बुलेट खुद ब खुद। जीत सिंह नहीं, हमारी दुश्मनी बुलेट से है, उसकी मां बहन से नहीं। कोई और तरकीब सोचो। बुलेट मेरा बेटा बनकर गया था ना कुफेंग के पास। बताता हूं बेटे। हेलो, बुलेट है? बुलेट? कौन बुलेट? यहां तो कोई बुलेट नाम का आदमी नहीं रहता। तुम झूठ बोल रही हो। बुलेट से कह देना अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमसे दुश्मनी मोल ना ले। अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप? मैं बुलेट का बाप। बुलेट का बाप? पता नहीं कैसे आदमी फोन करते हैं। इसका फोन था वहां। पता नहीं, किसी बुलेट को ढूंढ रहा था। बुलेट को? हाँ, उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ कोई बुलेट रहता नहीं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब मैंने पूछा आप कौन हैं, तो कहने लगा बुलेट का बाप। आखिर ये बुलेट है कौन, तू जानता है उसे? अब मैं भला कैसे जानूंगा, कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। खैर जाने दे, बहुत रात हो गई है, चल खाना खा ले। माँ मैं खाना खा के आया हूँ, तुम लोग खा लो। अरे आओ आओ बुलेट आओ। डिकोस्टा। हाँ सर जी। बुलेट को वो अपनी दावत वाली खुशखबरी दे दो। ऐसी खबर? बुलेट, रूपचंद ने हमारे सेठ जी को काली पूजा में शामिल होने की दावत दी है। ये दावत नहीं है सर जी, आपके लिए बिछाया गया एक जाल है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए आपके बदले मैं वहां जाऊंगा। तुम? नहीं नहीं नहीं। हाँ सर जी हाँ, उसकी ये जुर्रत तेरी माँ को फोन पर कहता है कि मैं बुलेट का बाप बोल रहा हूं, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। उसी के घर में उसी को खत्म करके मैं माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। कालीचरण ने खबर भिजवाई है कि वो बीमार है, इसलिए वो पूजा में आ नहीं सकता, लेकिन वो अपना आदमी जरूर भेजेगा। और ये आदमी कौन है ये तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। यू मीन बुलेट? या
आज बुलेट जिंदा वापस नहीं जाएगा। गुड, सारा इंतजाम हो गया? वही तो आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए 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 सेठ जी, ये देखिए, ये सब अनार यहां सजा दिए गए हैं और इस 3 नंबर अनार के नीचे एक बम फिट कर दिया गया है। जैसे बुलेट इस अनार को जलाए, आप ये 3 नंबर का स्विच दबा दीजिए, बस फिर एक धमाका और बुलेट खत्म। ये खून मेरे ही हाथों करवाओगे? सेठ जी, देवी की पूजा आप ही के हाथों से होती है, बलि भी आप ही को चढ़ानी पड़ेगी। जैसी मां की इच्छा। आओ आइए आइए, वेलकम वेलकम सेठ जी, यही है मिस्टर बुलेट। वेलकम वेलकम। थैंक यू रूपचंद सेठ, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है बुलेट। आपके कारनामों की मैंने बहुत तारीफ सुने हैं। क्या सुना है? यही कि बुलेट एक चीता है। चीता? गलत सुना है आपने, चीता मक्कार और बेईमान होता है, छुप कर वार करता है, लेकिन बुलेट रॉयल बंगाल टाइगर है, छुप कर नहीं दहाड़ कर वार करता है। वाकई आप बहादुर हैं भाई। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दें और एक दूसरे के दोस्त बन जाए। पहले सोच लीजिए सेठ जी, आप दोस्त बनना चाहते हैं या बाप? अरे वो तो मैं यूं ही गुस्से में कह गया था। वैसे भी तुम, मेरा मतलब है कि आप मेरे बेटे की उम्र के ही तो हैं। पूजा मंडप में नहीं चलेंगे? जरूर चलूंगा, काली मां से बरसों पुराना रिश्ता है, आज पूजा में शरीक होने का मौका मिला है। Thank you.
तेरे बिन भूला नहीं माँ, हर पल तुझको याद किया मैंने, तेरा दर्शन बहुत दिनों के बाद किया मैंने, नाचो रे गाओ रे आज खुशी का है दिन। बहुत अच्छा बजाते हो। आपको अच्छा लगा? मेरे साथ बजाओगे? जी हाँ। एक्सक्यूज मिस्टर बुलेट, हमारी रस्म के मुताबिक चीफ गेस्ट के हाथों आतिशबाजी जलाई जाती है। आइए शुरू कीजिए प्लीज। में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई सेठ, इसलिए मां की पूजा में बुलाकर धोखे से मरना चाहते थे। हाँ, मैं चाहूं तो तुम सबको कुत्ते की मौत मार सकता हूं, लेकिन मां के सामने खून खराबा नहीं करूंगा, इसका हिसाब बाद में लूंगा। चल, आपकी जरा सी भूल से हमने ये सुनहरा मौका खो दिया, वरना ये बुलेट बच के न जाता। चल, मुझे क्या हो गया था अजीत सिंह, न जाने क्या था उसके गीत में कि मेरी आत्मा बेचैन हो उठी, मेरे बीते हुए दिन मेरी आंखों के सामने आ गए, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। ओफो, मैं आपकी जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ सेठ जी, लेकिन अब ये बुलेट, बुलेट हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। इसी तरह मेरा भाई भी एक दिन मारा गया था, और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? चलो, तुम्हें मेरी फिक्र ना सही, लेकिन अपनी मां और बहन का तो ख्याल रखो। देखो लक्ष्मी, इस वक्त मैं तुम्हारी बकबक सुनने के मूड में नहीं हूं। मगर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। अचानक मुझे क्या हो गया था, मेरा दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन मेरे सामने था, न जाने क्यों काली माता के सामने मेरा हाथ रुक गया। अच्छा हुआ, नहीं तो खून के जुर्म में पकड़े जाते। खैर, जो हो गया सो हो गया, बस अब ये ठीक हो जाए, कल राखी का दिन है। कितनी देर लगा? क्या करूं भाई, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, और तुम तो जानती हो एक बार ट्रैफिक जाम हो जाए तो बस। आओ आओ बैठो। ये
जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, बड़ा मजा आया सुनकर। क्या मतलब? एक खूबसूरत लड़की मेरे लिए इंतजार कर रही थी, ये सुनकर मजा नहीं आएगा? अब किसी ने आने का टाइम दिया हो तो इंतजार तो करना ही पड़ता है ना महाशय, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? और नहीं तो क्या, लेकिन बहुत प्यारा दुश्मन। ऐसा? तो थोड़ा प्यार कर ले। सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत काम है। याद नहीं कल रक्षाबंधन है? माँ, भैया अभी तक नहीं आया। आएगा बेटी, तेरा भैया जरूर आएगा। 15 साल बाद मिला है और वो तुझसे राखी बंधवाने ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया आ गया। ए गीता। आओ भैया। अरे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? पांव फिसल गया था इसलिए हाथ में मोच आ गई। माँ यह है लक्ष्मी। जीती रहो। और लक्ष्मी यह है मेरी बहन गीता। और इनका परिचय? कहा ना तुझे लक्ष्मी। बस और कोई परिचय नहीं? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं भाई? लक्ष्मी। मैं तुम्हें भाभी कहकर पुकारूंगी। ए, क्या बकवास कर रही तू? तू चुप कर और बैठ यहाँ। पंद्रह साल के बाद आज मैंने राखी का दीप जलाया है। 15 साल तक मैं अपने भाई के लिए मंगल कामना करती रही और हर साल राखी के दिन आंसू बहाती रही। आज मुझे अपने आंसुओं की कीमत मिली है। आज मैं आप लोगों को उन क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस शहर के सभी क्राइम्स के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानून के पास कोई सबूत नहीं। लाइट्स ऑफ, स्टार्ट द प्रोजेक्टर। ये है सेठ रूपचंद, काली माता के परम भक्त है ये। दिखावे के लिए कई ऑफिशियल बिजनेस है इनके, लेकिन असली धंधा है हीरा, सोना, हीरोइन और कोकेन की स्मगलिंग। आई सी। नेक्स्ट, यह है जीत सिंह, रूपचांद का दाहिना हाथ, बहुत ही चलाक, रूपचांद का सारा धंधा यही चलाता है। नेक्स्ट, सेठ कालीचरण, समाज सेवक, अनाथ आश्रम, पतिताश्रम, लोक कल्याण संघ और न जाने क्या क्या चलाते हैं, मगर धंधा उनका भी वही है जो रूपचांद का है। यू मीन अनदर डॉन। एग्जैक्टली सो। नेक्स्ट, यह है डिकोस्टा, कालीचरण का दाहिना हाथ, एक और जीत सिंह। यू आर राइट, लेकिन कुछ दिनों से उनके यहां एक और आदमी आया है जो उनका सब काम करता है। देखो, ये बुलेट है। बुलेट? इसका नाम बुलेट है? मिस गीता, इनमें से किसी का भी नाम असली नहीं है। गिरगिट जैसा रंग बदलता है उसी तरह ये नाम बदलते हैं। पैसे के जोर पर इन लोगों ने सबका मुंह बंद कर रखा है। लाइट्स ऑन। ये सब समाज और देश के दुश्मन हैं, लेकिन इनको पकड़ना इतना आसान नहीं। मिस गीता। सर, ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे? हाँ, और मुझे यकीन है तुम उन्हें पकड़ने में जरूर कामयाब होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए सर। बहुत सोच समझ कर तुम्हें मैं ये केस दे रहा हूं। वैसे तुम अगर डर गई हो तो? डर? अगर मैं डरती होती तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनती सर। मैं आपको वचन देती हूँ, रूपचंद, कालीचरण, कीत सिंह
और बुलेट को हथकड़ी पहनाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। मैं आ सकता हूं रंजीत? अरे भाई साहब आप आइए आइए, कैसे आना हुआ, बैठे। मैं तुमसे गीता के बारे में कुछ बात करने आया हूं। मुझसे कहिए। रंजीत, गीता मेरी एक ही बहन है, वो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर उसे तुम जैसा जीवन साथी मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतार दिया। वाकई मेरी बहन बहुत खुशनसीब है। शगुन के तौर पर नहीं, नहीं इसकी क्या जरूरत है। प्लीज रंजीत, शगुन को ना नहीं कहते। थैंक्स। एक और इल्तजा है। हुक्म कीजिए। मेरी कोई गलती की सजा मेरी बहन को मत देना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इंसान हो ना, गलती तो हो ही सकती है। बाय बाय। बाय रंजीत। लक्ष्मी! आती हूँ। लक्ष्मी! क्या बात है? ए लक्ष्मी! अरे बड़े खुश नजर आ रहे हो। अभी अभी मैं गीता की शादी रंजीत से तय करके आ रहा हूँ। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ? शादी की शॉपिंग करके मैं गीता और माँ को चौंका देना चाहता हूँ। चलो जल्दी। अरे दरवाजा बंद क्यों है? घर में कोई है नहीं क्या? क्या बात है, घर में कोई है ही नहीं? मां, गीता। अय्या, तेरा असली परिचय मुझे पुलिस रिकॉर्ड से मिल गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना नीचा गिर जाएगा। तेरी इस पाप की नगरी में मेरा और माँ का रहना नामुमकिन है। आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? गीता माँ को लेकर घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है, वो जाना चाहती जाए, लेकिन माँ को ले जाने का क्या हक है उसे? माँ सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी है। तुम यही डरो, मैं भी आता हूं। कहां जा रहे हो? मां को वापस ला ले। तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले आए? इसलिए कि तेरी गुनहगार जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आखिर तूने ये रास्ता क्यों अपनाया भैया? तू जानना चाहती है? आ मेरे साथ। देख क्या दिखाई देता है। बस्ती। उस बस्ती में मेरा दम घुटने लगा था। जब जब मैंने सर उठाकर जीने की कोशिश की, मैं रौंद दिया गया। लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं। नहीं, मुर्दे रहते हैं, चलते फिरते सांस लेने वाले मुर्दे, जो जिंदगी के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। पैसे वाले जब चाहे उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह मसल देते हैं। तभी तो मैंने ये रास्ता अपनाया है। अब मुझे कोई रौंद नहीं सकता, सब मुझे सलाम करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन ये पाप का पैसा फलेगा नहीं भैया, एक ना एक दिन कानून के हाथ तेरी गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। ये कानून वानून छोड़ गीता, इसमें कुछ नहीं है। चल मेरे साथ घर चल। नहीं, तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग है। तेरे साथ मेरा कोई संबंध रहे, मेरा फर्ज ये गवारा नहीं करता। ओ, तो भाई से ज्यादा फर्ज प्यारा है तुम्हें। कोई बात नहीं, लेकिन माँ, माँ तो सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी है। मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं राकेश, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। माँ ऐसा मत बोल, माँ ऐसा मत बोल। देख तेरा बेटा तुझे लेने आया है, मेरे साथ चल। माँ मैं दुनिया के सारे सुख सारी खुशियां तेरे कदमों पे लाकर रख दूंगा। तेरे पाप की कमाई के सुख भोगने से
मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। माँ, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, उसकी भलाई के लिए अपने सीने को चट्टान भी बना सकती है। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे ये बेईमानी का रास्ता छोड़ना होगा। मुझे समझने की कोशिश कर माँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए रास्ता छोड़ना मुमकिन नहीं। तो फिर तेरे गुनाहों के ढेर पर बैठकर तेरी माँ कहलाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं। ठहरो भैया। इसे वापस ले जाओ। इसका मतलब रंजीत को सब कुछ मालूम हो गया। एक दिन सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। देख भैया, तू मेरी बात मान ले, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रंजीत ने कहा है कि मर्सी पेटिशन करके तुझे बचाया जा सकता है। भीख में दी हुई जिंदगी जीने से मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ भैया। आज से तू मेरे लिए भी बुलेट बन गया। बस करो बुलेट, बहुत हो गया। जाओ। तुम्हें हुआ क्या है? हुआ क्या है? किस्मत ने मुझे एक बहुत खूबसूरत सपना दिखाया था। उस सपने में माँ थी, बहन थी, एक खुशहाल घर था। उस घर में राकेश भी वापस आ गया था और आज वो सपना टूट गया। वो राकेश मर गया और रह गया ये बुलेट, अकेला, एकदम अकेला। नहीं, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। हेलो बुलेट, तुम्हारे ऑपरेशन में जाने का टाइम हो गया बुलेट। मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगी। I'm all right. लगता है कि 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाँ बादशाह। ये क्या है बुलेट? मेरे पिताजी का आशीर्वाद, इसमें उनकी तस्वीर है। 15 साल से उनका कोई पता नहीं चला। वो ट्रक आ गई, मैं बुलेट को खबर करके आता हूं। बुलेट, उनकी गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ट्रक इधर से गुजरेगा मैं गोली चलाऊंगा। ड्राइवर को गोली लगते ही दामोदर और घनश्याम ट्रक लेके भागेंगे। ओके बुलेट। गेट रेडी। पुलिस कहां से आ गई? ठिकाने लगा दो इन्हें। नहीं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं।
ट्रक में क्या है? माल है। तलाशी लो। बास्टर्ड, भागने की कोशिश करता है। अरे सिम, और ट्रक को कब्जे में ले लो। साली ने तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। ये तुमने किया क्या बुलेट? मेरे हाथों से पिस्तौल क्यों छीन ली? मर्द होकर औरत पे गोली चलाते हो? वो औरत नहीं, वो साली पुलिस। शट अप। बुलेट, तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। पुलिस को खबर किसने दी? किसने की हमसे गद्दारी? नहीं नहीं नहीं, गद्दारी कौन करेगा? वो आपने यूजुअल राउंड पे आए होंगे। आज हम पुलिस वालों को ऐसा सबक दे सकते थे कि हमेशा याद रखते। लेकिन उस लड़की को देखकर ना जाने तुम्हें क्या हो गया? उसे पहचानते हो क्या? नहीं, मुझे घर छोड़ दो। सेठ जी से नहीं मिलोगे? कल मिलूंगा, आज मैं थक गया हूं। मुझे सिर्फ एक बात का डर है बुलेट। किस बात का? खनिया और दामोदर ने अगर पुलिस की मार खाकर सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? जब तक मुंह नहीं खोलोगे तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। बताओ, ट्रक का मालिक कौन है? पानी, पानी। पानी। बोल, ट्रक का मालिक कौन है? बोल। हम लोग तो कुली हैं हुजूर, मालिक का नाम हमें नहीं मालूम। पहले मालिक का नाम बता, फिर तुझे शरबत भी मिलेगा। बोल। बताता हूँ हुजूर, मैं बताता हूँ। बोल। उसका नाम है सेठ रूपचंद। मालिक असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। क्या उस रात हमारा तो कोई आदमी नहीं पकड़ा गया था? फिर पुलिस यहाँ क्यों? हो सकता है कालीचरण के गैंग का कोई आदमी पकड़ा गया हो और उस साले ने पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया हो। कमिश्नर साहब को अंदर ले आओ। मालिक, वो साहब नहीं, मेम साहब है। ठीक है, अंदर ले आओ। अच्छा हुजूर। लेडी पुलिस ऑफिसर? कोई नई भर्ती हुई होगी, देखते हैं। चलो जाइए मेम साहब, आपको बुलाया है। नमस्ते जी, आइए बैठिए। सेठ जी। हाँ। नमस्कार। तुम, मेरा मतलब है आप, कुछ ख्याल मत कीजिएगा मैंने आपको तुम कह के पुकारा। कोई बात नहीं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बैठिए। आप जैसे समाज के जाने माने लोगों से जान पहचान रखनी चाहिए, इसलिए चली आई। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की होकर आप पुलिस के इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गई हैं। थैंक यू। रूपचंद जी, कल रात डायमंड हार्बर रोड पर एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें काफी गैर कानूनी माल था। दो आदमी भी पकड़े गए और उन्होंने बताया कि माल आपका है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए मिस, हमारा कोई आदमी गैर कानूनी काम नहीं करता है। ये सरासर उन्होंने झूठ बोला है। मैं अच्छी तरह जानती हूं उन लोगों ने झूठ नहीं बोला। फिर आप क्या करना चाहती हैं? हमें गिरफ्तार करेंगे? जी नहीं,
अभी गिरफ्तार करूंगी तो जानती हूं आप लोग छूट जाएंगे, इसलिए चेतावनी देने आई हूं। आइंदा के लिए होशियार रहिएगा। आपने मुझे याद किया सर जी। हाँ बुलेट, कल पहली बार हमारा काम तुम्हारी वजह से अधूरा रह गया। कौन सा काम? तुमने डिकोस्टा से पिस्तौल छीन ली और इसी वजह से एसीपी गीता बच गई। वो मैं कोई बात नहीं बुलेट, अरे शतरंज के खेल में तो ऐसा होता ही है, मोरा कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है। लेकिन ये अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना है बुलेट। मुझे यानी मैं गीता को जान से मार डालोगे? माफ कीजिएगा सर जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों और औरतों पर मैं हाथ नहीं उठाता। ओ आई सी, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें अपना उसूल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर गीता को मारेगा कौन? तुम मारोगे डिकोस्टा। मैं? हाँ तुम, और मारने का मौका बनाएगा बुलेट। मैं? परसों रात को क्रिसमस के मौके पर हमारे होटल में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, उसमें तुम और लक्ष्मी डांस करोगे। एसीपी गीता को भी इनवाइट। लेकिन सर जी, ये खबर सुनते ही जीत सिंह भी आएगा मुझे मारने के लिए। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, हम एक ही तीर में दो शिकार करेंगे दो। लेकिन सर जी, पुलिस को मारना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और गीता एक पुलिस कांस्टेबल नहीं असिस्टेंट कमिश्नर है। हम कहां मार रहे उसे, हम कहां मार रहे, हम तो भीड़ में खड़े होकर सिर्फ देख रहे। वो मर गई, किसने मारा हमको क्या पता। डिकोस्टा, हाँ सर जी। जश्न की तैयारी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ हेलो, मैं एसीपी गीता जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। आज रात को होटल टावर पैलेस क्रिसमस पार्टी में आप जा रही हैं। आपको कैसे मालूम? जी मुझे मालूम है। आप कौन बोल रहे हैं? सुनिए, आज रात अब वहां मत जाइएगा, आपको मार डालने का प्लान बनाया गया है। फिर तो जरूर जाऊंगी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, निशाना कौन बने ये तो न जाने कोई। ये किस्सा रात का राज, ये रात का, ये किस्सा रात का राज, ये रात का। अरे सुबह यहाँ नहीं होती, होता है हर समय।
सौदा यहाँ अंधेरों में, दिल की जज्बात का, तन की सौगात का, हो दिल की जज्बात का, तन की सौगात का। किसके हाथों कौन बिके ये तो न जाने कोई, ये किस्सा रात का, राज ये रात का, ये किस्सा रात का, हो राज ये रात का। निशाना लगाए पता ना बात का, ना तो हालात का, हो पता ना बात का, ना तो हालात का। वक्त करो कब बदले ये तो न जाने कोई, ये किस्सा रात का, राज ये रात का, ये किस्सा रात का, हो राज ये रात का। भैया, उठ। क्यों गोली चलाई तूने? बोल, क्यों गोली चलाई? Arrest him and take him to the police station. Yes, madam. यहाँ अभी अभी जिस डांसर को गोली लगी वो कहाँ है? गोली? गोली उसको नहीं लगी मैडम, सिर्फ कपड़े के पास से निकल गई, वो घर चला गया। Oh, I see. वो घर चला गया। जी। अब तुम घर जाओ लक्ष्मी। नहीं बुलेट, तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, गोली निकल गई है और घाव भी मामूली है। अगर घर में माँ और गीता आ गई, कोई तो रहना चाहिए ना? नहीं, मुझे यहीं रहने दो। देखिए, फिलहाल इनको गहरी नींद की जरूरत है, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए कोई नहीं रहे तो अच्छा है। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्यों डॉक्टर, खतरे की तो कोई बात नहीं है? शुक्र कीजिए सेठ जी, गोली हड्डी के बगल से निकल गई। अच्छा अच्छा, रुपए पैसे की चिंता नहीं करना, लेकिन बुलेट ठीक हो जाना चाहिए। डोंट वरी सेठ जी, मामूली सा घाव है, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम देख कर आते हैं। चलो, थैंक यू डॉक्टर। ये क्या है? इसके पिता का आशीर्वाद। पिता का आशीर्वाद? जी हाँ, इसमें इसके पिताजी की तस्वीर है जो 15 साल से लापता है। अच्छा, देखते हैं। हरगोबिंदो, मतलब ये वही लड़का है, वही लड़का ही है। क्या हुआ सेठ जी? बाजी पलट गई है, मैं मात खा गया, मैं मात खा गया। हुआ क्या?
बताता हूँ चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ। आओ आओ मैं बताता हूँ तुमको। तुम जानते हो डिकोस्टा मैं लंगड़ा कैसे हो गया? आज से 15 साल पहले इस हरामजादी की माँ मेरी कमजोरी बन गई थी। इसके बाप को जेल भिजवाकर जैसे ही मैं इसके माँ के पास पहुंचा तो इस सांप के बच्चे ने कटारी मारकर मुझे लंगड़ा बना दिया। ये क्या कह रहे हैं? हाँ डिकोस्टा, तब से हर पल हर घड़ी मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन यहोनी भी कभी कभी शतरंज की चाल खेलती है। वही सांप आज मेरे आस्तीन में पल रहा है मेरे। सेठ जी, आप कहे तो इस हरमजादे की दोनों टांगे काट दू। नहीं डिकोस्टा, नहीं, ये शुभ काम रूपचंद करेगा। रूपचंद? हाँ रूपचंद, ये रूपचंद बुलेट के खून का प्यासा है। वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा और हम भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। बुलेट की कीमत होगी 15 लाख रुपया। जाओ जाओ जाओ, अभी अभी इसी वक्त रूपचंद को फोन करो। जाओ जाओ। हेलो, तुम्हारा दुश्मन बुलेट अब हमारे कब्जे में है, सौदा करोगे? कैसा सौदा? बुलेट का सौदा। हाँ, कीमत बताओ। 15 लाख मिलेंगे, लेकिन बुलेट मुझे जिंदा चाहिए। जिंदा मिलेगा, रुपया लेकर रात के 12 बजे बॉटनिकल गार्डन के सामने गंगा किनारे हमारा इंतजार करना। रूपचंद राजी है सेठ जी, रात 12 बजे वो लोग बुलेट को खरीदने आएंगे। उन्हें बुलेट चाहिए लेकिन जिंदा। मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ कालीचरण। मुझे नहीं मालूम था तू ही वो हरामजादा मदन लाल है जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रहा हूं। उड़ा दूं तुझे? नहीं, रिवॉल्वर हटा दो डिकोस्टा, मुर्दा बुलेट का दाम रूपचंद एक कौड़ी भी नहीं देगा। ले जाओ इसको। शायद वो लोग आ गए, इशारा करो। लगता है ये इशारा उनका है। बोट उधर घुमाओ, बोट उधर लो। बस बस रोको। रूपचंद सेठ आपके दुश्मन को लेकर आए हैं। कहाँ है वो? देखिए नाव में बंधा है। पहचाना? हाँ। पैसा देख लो।
देखने की जरूरत नहीं है, हमें अब पर पूरा भरोसा है। रस्सी खोल दो। आप अपना दुश्मन संभालिए, हम चलते हैं। चलो बोट ले चलो, बोट घुमाओ। अब इसका क्या करें सर? इसका विसर्जन कर दो ताकि इसके सारे पाप धुल जाएं। बोट उलट दो। सर इसके गले में एक लॉकेट है। लॉकेट दिखाओ। ये लीजिए। मेरी तस्वीर है। ये लॉकेट तो मैंने अपने बेटे को दिया था, इसके पास कैसे आ? इसे बचाओ, बोट से निकलो, बोट से निकलो, बोट से निकलो। बुलेट, 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 कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया बताओ मुझे। आग मत लगा उसे, इसे मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। क्या? मेरा खोया हुआ बेटा है, तू ही राकेश है। बुलेट करो तो बेटा, मैं तेरा भागा बाप हूं जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ बेटा देखो, मुझे अच्छी तरह पहचानो, मैं ही वो हरगोबिंद मजूमदार हूं जिसे भाग्य ने आज रूपचंद बना दिया। पिताजी क्या बकते हो? बुलेट जिंदा है? हाँ सर जी, मगर उससे भी बुरी खबर यह है कि बुलेट रूपचंद का ही बेटा है। अरे बुलेट का बाप तो हर का मतलब, इसका मतलब रूपचंद ही हरगोविंद है। और सर एसीपी गीता बुलेट की बहन है। अच्छा, गीता सुजाता की बेटी है। अब आएगा मजा शतरंज की चाल का, नया खेल नई चाल। क्या कालीचरण ही वो बदमाश मदनलाल है? हाँ पिताजी, इसी मदनलाल ने मुझसे मेरी शराफत की जिंदगी छीन ली। जेल का कलंक लेकर मैं बाहर निकला तो हर किसी ने मुझे दुत्कारा, हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया। कि इतने में एक दिन मेरी मुलाकात जीत सिंह से हुई। अरे हरगोविंद जी, आप यहाँ? मुझे नहीं भेजा ना? मैं जीत सिंह, मैं जेल में था ना आपके साथ। हाँ हाँ जीत सिंह, याद आया। और सुनाइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आजकल? जेल से निकलने के बाद दर दर की ठोकरे खा रहा हूँ। ठोकरे खा रहे हैं? अरे आजकल की दुनिया में जिंदा रहना है तो ठोकर मारना सीखिए। यहाँ साला मांगने से कुछ नहीं मिलता है, छीन लेना पड़ता है, लूट लेना पड़ता है। हाँ नहीं जीत सिंह, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। लो कर लो बात। अरे मैं बुरा काम करने के लिए कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम उन बदमाशों को लूटेंगे जो साले शरीफों को लूटते हैं, ठीक है ना? और देखते ही देखते मैं हरगोबिंद से रूपचंद बन गया। पिताजी ये रही वो बिल्डिंग। पिताजी इसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में रहते हैं। तू नहीं आएगा? नहीं, मां और गीता दोनों ने मुझसे नाता तोड़ दिया है। उन्होंने ठीक ही किया है बेटे, आखिर गुनाहगार से नाता रखना भी तो गुनाह है। लेकिन पिताजी। हाँ बेटे, तू भी गुनाहगार और मैं भी गुनाहगार। चल हम दोनों मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लें और एक नई जिंदगी शुरू करें। क्यों, तुझे मंजूर नहीं? बेटा सुन तो। किससे मिलना है आपको?
मुझे पहचाना नहीं सुजाता। कौन? मैं तुम्हारा हर गोविंद। क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम? हाँ सुजाता, मैं इतने दिनों के बाद आज हमारी याद आई। नहीं सुजाता, ऐसा मत कहो। चलते फिरते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी मैंने तुम लोगों को याद किया। मैंने तो तुम लोगों से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी सुजाता। मगर मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आज भी तुम्हारी सुजाता तुम्हारा इंतजार कर रही है। रो सुजाता, खूब रो। इतने दिनों के सारे दुख आंसुओं में बह जाने दो। माँ, माँ, आप यहां क्यों आए हैं? गीता, ये तेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी? हाँ बेटी, उस दिन तुझे देखकर मेरा मन बेचैन हो गया था। मैंने ना सही, लेकिन मेरी आत्मा ने तुझे पहचान लिया था बेटी। पिताजी को प्रणाम कर बेटी। बस बस, मेरी छोटी सी गुड़िया, आज पुलिस की इतनी बड़ी अफसर, आज मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा बेटी? और मुझसे ज्यादा दुखी और कौन होगा पिताजी? क्यों बेटी? बेटी पुलिस ऑफिसर और बाप कानून का मुजरिम। बेटी, अपने पापों का प्रायश्चित करने ही मैं तेरे पास आया हूं। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, कि फर्ज की राह पर मेरे कदम कभी ना डगमगाए। मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन बेटी, एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ तुझे एक बहन का फर्ज भी निभाना है। पिताजी? हाँ बेटी, तेरा भाई गुमराह हो गया है, उसे बचाना है ताकि वो बुलेट से फिर राकेश बन जाए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आज अचानक पिताजी मिल गए। मैं अभी अभी उन्हें गीता के घर छोड़कर आ रहा हूं। तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। लक्ष्मी, अरे कहां चली गई तुम? कालीचरण! राकेश, बेटा कहां है तू? शायद ऊपर होगा। तुम लोग यहाँ? हम तुझे लेने आए हैं बेटा, ये घर छोड़कर हमारे साथ चल। नहीं माँ, इस वक्त जा नहीं सकता। क्यों? अभी तक तेरा गुस्सा नहीं उतरा क्या? ये बात नहीं है पिताजी, कालीचरण के आदमी लक्ष्मी को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। क्या? हाँ माँ, लक्ष्मी को बचाने मैं जा रहा हूँ। ठहर जा भैया, लक्ष्मी को बचाना पुलिस का काम है। किता, ये काम पुलिस से नहीं होगा, मुझे जाने दे। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। गीता, मुझे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे, मैं तुझे वचन देता हूँ, लक्ष्मी को वापस लाकर मैं अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगा। मुझे जाने दे गीता। नहीं, तू नहीं जाएगा। गीता, मुझे जाने दे। नहीं
ये आपने क्या किया पिताजी? लेकिन गीता, गुस्से में पागल होकर वो कालीचरण का खून कर देगा, फिर उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया? घबराओ मत सुजाता, मेरे होते हुए गीता को कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। कहाँ? कालीचरण के अड्डे, गीता को वापस लाने। कालीचरण! बुलेट! बोल कागज में कछुआ रखा है, तो लंगड़ा किधर है? बोल, बोल! बोल किधर है? बोल, मैं बताता हूँ। कमीने, अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल दे, फिर आओ एक के बाद एक। हाँ हाँ, जरूर जरूर, एक के बाद एक ही आएंगे, लेकिन तुम जैसी खूबसूरत लड़की से लड़ेंगे नहीं, प्यार करेंगे एक के बाद एक। कुत्ता कहीं का! हराम! छोड़ दे मुझे। आओ आओ, ऐसी भी साहिबा, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। पुलिस ऑफिसर को किडनैप करने का नतीजा जानते हो? पुलिस ऑफिसर? लो, ऑफिसर का तमगा उतर गया। अब तुम ऑफिसर नहीं रही, बोलो तो वर्दी भी उतार दूं, फिर तुम पुलिस भी नहीं रहोगी। शट अप! शाबाश गीता, लात मार के साले का मुंह तोड़ दे। कालीचरण को लात मारने का अंजाम जानती हो? पिताजी, घबराओ मत बेटी, मैं आ गया हूं। ओ, हरगोविंद! हाँ, पहचान लिया तूने? इससे पहले कि मेरी पिस्तौल की चार गोलियों में से एक गोली तेरी खोपड़ी उड़ा दे, छोड़ दे इन्हें। मैं कहता हूं छोड़ दे इन्हें। पकड़ लो, बांध लो। अरे क्यों लात मार रहे हो? कोई फायदा नहीं। देखो हरगोविंद, तुम्हारे साथ हमारी दुश्मनी सिर्फ दो वजह से थी। पहले, तुम्हारे रहते फैक्ट्री का माल मैं चुरा नहीं सकता था, और दूसरी, तुम्हारी बीवी जिसकी जवानी ने मुझे पागल बना दिया था। हरामी कुत्ते! तुम्हें जेल भिजवाने के बाद फैक्ट्री का माल चुरा कर मैं मालामाल तो हो गया, लेकिन तुम्हारी बीवी को नहीं पा सका। लेकिन आज, ओहो, तुम्हारी बेटी, वाह, बिल्कुल अपनी मां पर गई है। वही रूप, वही जवानी। कालीचरण, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। ए, चिल्लाओ मत, उस दिन तो तुम्हारे उस लौंडे ने तुम्हारी बीवी को बचा लिया था, लेकिन आज इसे कोई नहीं बचा सकता।
देखा, बांधो इसे। तू क्या समझा मेरे डेन में आकर मुझे ही मारेगा? बांधो। तू पिताजी को लेकर निकल जा, ये टनल पुराने डॉक के पास निकलेगा। अच्छा भैया। छोड़ दे, जल्दी चल। छोड़ दे, साले हरामी कुत्ते। हम तुझे छोड़ने के लिए थोड़ी लाए। चल। कुत्ता, बाप अभी तक नहीं आया। शायद वो आ रहा है सेठ जी। चलो। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। लॉन्च तैयार है? हाँ, स्पीड बोट जेटी पे तैयार है। गुड गुड। इस हराम जादू को संभालो जल्दी। आओ मेरी जान। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर द जॉब बॉस। चलो जल्दी। चलो। क्या करता है मेरी जान? बुलेट, बुलेट। इधर, इधर। कहाँ गया साला? Oh!
माफ कर दो बुलेट, बुलेट मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। नहीं कालीचरण, नहीं, तूने मेरे देवता समान पिता को जेल भिजवा दिया, मेरी माँ की इज्जत पर हमला किया, और जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उसे तूने बर्बाद करना था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। नहीं बुलेट, नहीं, मुझे माफ कर दो बुलेट। नहीं, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, प्लीज। तेरे हर कमीने पल के लिए तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, नहीं। तू जिंदा रहेगा लेकिन अपाहिज बनकर नाली के कीड़े की तरह रेंगता रहेगा। नहीं बुलेट, मौत को भी बुलाएगा लेकिन मौत नहीं आएगी। मुझे माफ कर दो बुलेट। गीता, देख गीता, देख, मैंने अपने दुश्मन की क्या हालत की है। मैंने इसे ऐसी सजा दी है कि अब इसके हाथ किसी भी गुनाह के लिए कभी नहीं उठेंगे। इंस्पेक्टर। यस मैडम। अरेस्ट, ले जाओ इसे। होल्ड ऑन, हथकड़ी पहनो, चलो चल। बेटा, मेरा पिता। गीता, मैंने तुझसे सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मांगी थी, मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दे। भैया, देर मत कर गीता, तेरा भाई फिर से राकेश बनना चाहता है। अरेस्ट में, अरेस्ट में गीता, आई से अरेस्ट में।